क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट इज गिवन और आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है. यहाँ पे ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 384 और उसके आगे लगे हैं 30 हियर एंड 30 हियर. तो ये कौन सा आपको दिया है, ये आपका इंडियन सिस्टम नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है. इसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000. तो ये आपके इंटरनेशनल सिस्टम में दी है. तो आपकी डिजिट क्या दी है आपकी, 384 देन 30 एंड 30 ms, मिनट पर सेकेंड, मिनट पर सेकेंड दी है. अब यहाँ पे देखिए 384, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 384 आपने लिख दिया, देन मल्टीप्लाई 10 की कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 की पावर कितनी लगेगी, 6. अगर आप 10 को 6 बार लिखोगे तो आपको वापस से वही मिल जाएगा. अब इसकी भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 3 डेसिमल का आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ लगाओगे इससे कम, ये फिर भी 38 हो जाएगा, यहाँ पे केवल वो 3 रहेगा. तो 384, अब आपने कितने बार शिफ्ट किया, दो जगह पे किया, तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ये आपका हो जाएगा. तो आपको क्या हो जाएगा, 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 28 मीटर पर सेकेंड. नाउ डायमीटर ऑफ अ सन इज, सन का कितना है, इसका डायमीटर इसका है 1401 है ये, 1 हाँ ये है इसका डायमीटर. तो कितना है 144 देन 000 देन 000 मीटर, ठीक है. अब यहाँ पे आपके कितने हैं, 14 आप वैसे ही लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 की पावर आप क्या लिखेंगे, 8. ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. पर आपको इससे भी स्मॉल, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स होता है इसको स्मॉल में लिखना. अब यहाँ पे अगर आप यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो आपने कितना इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 एंड यहाँ पे एक 10 और आपने शिफ्ट किया, तो 8 and 1, 9. तो आपने कितना शिफ्ट किया, 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपका 9, ये मीटर आपका इसमें लगेगा. ना आपका एच पार्ट, एच पार्ट में देखिए, यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज द एस्टिमेटेड टू बी. अब यहाँ पे ये सिंपल है, इसमें तो 1, 3 लिखा, देन 000, देन 0000, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे और ऐसे. तो आपने 3 लिखा, 3 के बाद कितने 0 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 की पावर आपकी 20 आएगी. ये आपका आंसर है. तो मैंने यहाँ पे ए पार्ट, डी पार्ट और एच पार्ट सॉल्व किया, बाकी जो रेस्ट ऑफ द सम है ना, जो वैसे ही सॉल्व होंगे. इसमें केवल आपको यही दिखना है कि आपको उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको कैसे छोटा, मतलब छोटा वैल्यू निकाल सकते हैं कि वापिस से अगर उस चीज से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर हमको आपको मिल जाए. तो एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट एंड योर चैप्टर 13 चैप्टर इज आल्सो कंप्लीट. नाउ लेट मी स्टार्ट चैप्टर 14. थैंक यू.